नगर निगमों के चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये बात पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनिता वर्मा ने कही। उन्होंने कहा कि अप्रैल माह में सोलन, शिमला, धर्मशाला, पालमपुर में चुनाव होंगे, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी के जो बागी लोग चुनाव मैदान में उतरे हैं, उन्हें मनाने की पूरी कोशिश की जाएगी, क्योंकि नगर निगमों के चुनाव पार्टी चिन्ह पर होंगे। इसलिए पार्टी से एक ही व्यक्ति को मैदान में उतारा जाएगा, जिसकी जीत सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा प्रयास किया जाएगा। पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस महिला अध्यक्ष अनिता वर्मा ने कहा कि मौजूदा समय में भाजपा की सरकार सत्ता में है, जिसका प्रभाव इलेक्शनों पर रहेगा। उन्होंने मतदाताओं से आह्वान किया है कि ईमानदार और कर्मठ नेता के पक्ष में ही अपना मतदान करें, ताकि वो क्षेत्र का विकास करवाने के लिए अहम योगदान दें। अनिता वर्मा ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में भाजपा सरकार सत्ता में होने के कारण प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, किसान सड़कों पर है, युवा बेरोजगार है, जिन्हें सरकार रोजगार के अवसर प्रदान करने में पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई है। निगम के जो चुनाव बड़े बड़े शहरों में जैसे धर्मशाला, पालमपुर, मंडी, सोलन में होने वाले हैं अप्रैल में, उनके लिए अभी तो टिकटों का आवंटन किया गया है और ये पार्टी के सिंबल के साथ हो रहे हैं। तो सबसे पहले तो कोशिश की जा रही है कि जो हमारे कांग्रेस के बागी कोई खड़े हैं उनको मनाने की कोशिश जारी है सब जगह, ताकि एक ही कैंडिडेट खड़ा हो, क्योंकि ये जो इलेक्शन है ये टिकट पर है और वो भी सिंबल के साथ। तो ये पहली कोशिश है, उसके बाद हमारी पूरी तैयारी है। हर जो हमारे कॉरपोरेशंस हैं उन पर हमारे बाहर से भी वर्कर्स और वहाँ के भी वर्कर्स सब मिलकर कोशिश करेंगे अपने कैंडिडेट को जिताने की, और हमें पूरी उम्मीद है। हमें पता है कि सरकार हमारी नहीं है, जो सरकार होती है वो बहुत दबाव डालती है, लेकिन आज पब्लिक को पता है कि अगर वो अच्छा प्रतिनिधि चुनेंगे तो उनके जो कार्य हैं वो अच्छे होंगे, और उसके लिए जो कैंडिडेट है वो पूरी ताकत लगाएगा उन कार्यों को पूर्ण करने के लिए। तो हमें भी पूरी उम्मीद है कि अब जिस तरीके से आज जो वातावरण बना है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि ये अब सिंबल पे हो रहे हैं, इसलिए मैं बीजेपी का वर्णन कर रही हूँ कि कैसे महंगाई बढ़ गई है, जो युवाओं को नौकरी है उसके लिए आज हमारा युवा तड़प रहा है, और जिस तरीके से आज महिलाएं महसूस कर रही हैं कि वो इतनी सुरक्षित नहीं हैं, जैसे कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है, और आज किसान भी अपने आप को लाचार समझ रहा है। तो इन कॉरपोरेशंस में जो भी रहते हैं वो संबंधित हैं इन सारे वर्गों के साथ, तो उनको भी ये चिंता है। लेकिन जिन कॉरपोरेशंस में रहते हैं वो चाहते हैं कि वहाँ के इलाके भी सुधरें और अच्छे बने, जैसे धर्मशाला को स्मार्ट सिटी का दर्जा दिया गया था, और जो काम हुआ है वो कांग्रेस की सरकार के दौरान ही हुआ है, और जब से बीजेपी आई है तो उस स्मार्ट सिटी का कोई भी आगे पैसा या कोई भी कार्रवाई धर्मशाला में नहीं की गई है। तो दूसरी कॉरपोरेशंस भी उम्मीद रखेंगे कि जैसे धर्मशाला को स्मार्ट सिटी बनाया गया है, वैसे ही उनके भी जो कॉरपोरेशंस हैं कल को वो स्मार्ट सिटी बने। लेकिन अगर ये बीजेपी धर्मशाला की स्मार्ट सिटी को बेहतर नहीं बना सकेगी तो दूसरे जो कॉरपोरेशंस के लोग जो वहाँ रहते हैं वे महसूस करेंगे कि शायद वहाँ पर भी बीजेपी जो है वो अपना कार्य नहीं कर सकेगी। जब कांग्रेस आएगी शायद वही वहाँ पर इस कार्य को पूर्ण कर सकती है। तो उस उम्मीद के साथ जो लोग हैं अपना वोट डालेंगे, और मैं चाहती हूं कि लोग बड़ा सोच समझ के वोट डालें, क्योंकि ये कॉरपोरेशन का जो इलेक्शन है वो आपके लिए एक चेहरा है आगे की आने वाली इलेक्शंस का। तो इस पर ज़रा ज़्यादा गौर करें, और पूरी कांग्रेस पार्टी तैयार है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम सारी कॉरपोरेशन जो हैं बड़े अच्छे वोटों के साथ जीतेंगे।